साल 2008, दिन 23 मई। गुर्जर समाज तब वसुंधरा सरकार से कर रहा था आंदोलन की मांग। आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में गई थी समाज के 73 लोगों की जान। तभी से मनाया जाता है गुर्जर शहीद दिवस। गुर्जर समाज हर साल की तरह आज भी गुर्जर शहीद दिवस मना रहा है। सोशल मीडिया पर समाज के नेता और लोग मारे गए गुर्जर समाज के लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यही वजह है कि ट्विटर पर आज गुर्जर आंदोलन बलिदान दिवस ट्रेंड कर रहा है। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने लिखा कि आज की नौजवान पीढ़ी को याद है या नहीं, परंतु 23 मई 2008 का वो दिन, वो मंजर मैं नहीं भूल सकता, जब गुर्जर हमारे साथ इस तरह लड़े थे, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस गुर्जर कौम की तरक्की के लिए कर गए थे, जब हमारे आंदोलन की रिपोर्ट विदेशी धरती अमेरिका इंग्लैंड के चैनलों पर चली थी। हैशटैग गुर्जर आंदोलन बलिदान दिवस। तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि 23 मई 2008 अपने हक व अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले निहत्ते लोगों पर जुल्मी बर्बर भाजपा सरकार ने गोलियां बरसाई थी, जिसमें 73 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। उन वीर शहीदों को शत शत नमन, श्रद्धांजलि, हैशटैग गुर्जर आंदोलन बलिदान दिवस। तो एक यूजर ने लिखा कि बंदूकों की गोलियों के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए थे और बलिदान देकर चले गए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए राह आसान भी कर गए, हैशटैग गुर्जर आंदोलन बलिदान दिवस। तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि शरीर में जो लहू था सारा जमीन को पिला दिया, हम पर समाज का जो कर्ज था हमने चुका दिया, शहीदों को नमन, हैशटैग गुर्जर आंदोलन बलिदान दिवस। इसके अलावा कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर ने लिखा कि आज 23 मई गुर्जर बलिदान दिवस का ऐतिहासिक दिन, गुर्जर आरक्षण आंदोलन में शहीद गुर्जर समाज के 73 अमर वीर सपूतों को याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने समाज को सम्मान और पूरा हक दिलाने के लिए पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन संघर्ष के मैदान में एक कदम भी पीछे नहीं हटे। उनके बलिदान ने हमें संघर्ष की एक राह दिखाई है। समस्त गुर्जर समाज उन शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा, विनम्र श्रद्धांजलि। तो वहीं नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने लिखा कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन एवं श्रद्धांजलि। वीर शहीदों की शहादत को गुर्जर समाज कभी नहीं भुला पाएगा, जिन्होंने अपने समाज के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, हैशटैग गुर्जर आंदोलन बलिदान दिवस। आपको बता दें कि आज गुर्जर समाज के लोगों ने भरतपुर के बयाना में स्थित पीलूपुरा में बनाए गए शहीद स्थल पर दिवंगत लोगों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। इसके अलावा अन्य समाज के कई लोगों ने भी मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। फिलहाल गुर्जर आंदोलन बलिदान दिवस ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।